रेक्स का हार्ट रेक्स हार्ट रेट को नॉर्मलाइज करता है और हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है। रेक्स का हार्ट रेक्स डाइट्री सिरप। अमेरिका ने कहा है कि वो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल से बाहर हो रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और संयुक्त राष्ट्र के लिए अमेरिका की दूत निकी हेली ने एक साझा प्रेस वार्ता में इस बात की घोषणा की है। वहीं काउंसिल के प्रमुख जैद बिन राद अल हुसैन ने कहा है कि अमेरिका को मानवाधिकारों की रक्षा से पीछे नहीं हटना चाहिए। निकी हेली ने कहा है कि जब एक कथाकथित मानवाधिकारी काउंसिल वेनेजुएला और ईरान में हो रहे मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में कुछ नहीं बोल पाती और कांगो जैसे देश का अपने नए सदस्य के तौर पर स्वागत करती है तो फिर ये मानवाधिकार काउंसिल कहलाने का अधिकार खो देती है। उन्होंने कहा है कि असल में ऐसी संस्था मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचाती है। हेली ने कहा है कि काउंसिल राजनीति पक्षपात से प्रेरित है। उन्होंने कहा, हालांकि मैं ये साफ करना चाहती हूं कि काउंसिल से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि हम मानव अधिकारों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हैं। हेली ने पिछले साल भी यूएनएचआरसी पर इसराइल के खिलाफ दुर्भावना और भेदभाव से ग्रस्त होने का आरोप लगाया था और कहा था कि अमेरिका परिषद में अपनी सदस्यता की समीक्षा करेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी यूएनएचआरसी के इरादों पर सवाल उठाया और कहा, ये अपने ही विचारों को बनाए रखने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, हमें इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि एक वक्त में यूएनएचआरसी का मकसद नेक था, लेकिन आज हमें ईमानदारी बरतने की जरूरत है। यह आज मानव अधिकारों की मजबूती से रक्षा नहीं कर पा रहा है। इससे भी बुरा यह है कि काउंसिल आज बड़ी ही बेशर्मी और पाखंड के साथ दुनिया के तमाम हिस्सों में रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को अनदेखा कर रहा है। पोम्पियो ने कहा है कि दुनिया के कुछ ऐसे देश इसके तसत्ते हैं जिन पर मानव अधिकारों के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं। यूएनएचआरसी की स्थापना 2006 में हुई थी। मानव अधिकारों के उल्लंघन वाले आरोपों से घिरे देशों को सदस्य देने की वजह से ये आलोचना का केंद्र बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मैक्स।